हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल, एकदम यूनिक, बहुत ही हेल्दी और साथ ही साथ सुपर टेस्टी मूली के पत्ते की भाजी यानी कि सब्जी की रेसिपी। रेसिपी बहुत ही यूनिक है, तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम मूली के पत्ते ले लेंगे और दो मूली ले लेंगे। अब इसे इस तरीके से मूली के पत्तों को चॉप कर लेंगे। अक्सर हम मूली को ही खाते हैं और इनके पत्तों को फेंक देते हैं, बट आज इस रेसिपी को देखने के बाद आप बार बार इस सब्जी को बनाकर खाना पसंद करेंगे। हम सभी जानते हैं मूली खाने के कितने सारे फ़ायदे हैं, उसी तरह इनके पत्तों में भी बहुत सारे गुणकारी तत्व मौजूद है। स्पेशली ये हमारे पेट के लिए बहुत हेल्दी है। मूली के पत्तों को हमने चॉप कर लिया है, इसी तरह बारीक बारीक मूली को भी चॉप कर लेंगे। सर्दियाँ आ गई हैं तो आप रोज़ या फिर ऑल्टरनेटिव डेज में इस सुपर हेल्दी और टेस्टी सब्जी को ज़रूर से बनाकर खाएं। बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी, आप ज़रूर से ट्राई दें इसे, और इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। सभी मूली को चॉप कर लिया है हमने। भाजी और मूली को अच्छे से वॉश कर ले दो तीन पानी। अब हम एक पैन ले लेंगे, चार टेबलस्पून के करीब हम तेल ऐड कर देंगे और गरम कर ले तेल को। अब हम एक टीस्पून राई डालकर इसे क्रैकल हो जाने देंगे। हाफ टी स्पून हींग ऐड कर देंगे। अब हम सभी चॉप की हुई भाजी को पैन में डाल देंगे। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। चॉप की हुई मूली ऐड कर देंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर ले, ऐसे ही टेस्टी यूनिक रेसिपी से अपडेटेड रहने के लिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने डियर वंस के साथ ज़रूर से शेयर करें। थोड़ी देर हमने इसे सॉटे कर लिया है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, एक टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और हल्दी इसी स्टेज पर हमें डालना है ताकि भाजी में हल्दी का अच्छा सा कलर आ जाए और नमक का स्वाद भी सब्जी में मिल जाए अच्छे से। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक छोटी ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। सब्जी डूब जाए उतनी पानी ऐड करना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर भाजी और मूली को चट जाने देंगे। बीच बीच में चलाते रहे और चेक करते रहे दोनों चढ़े हैं या नहीं। 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इन्हें चढ़ाने में। सात से आठ मिनट हो गए हैं, पानी आप देख सकते हैं कम हो गया है। अब हम मूली को तोड़कर चेक कर लेंगे ये चढ़ी है या नहीं। हमारी मूली चढ़ चुकी है, अब हम मसाले कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 4 बड़े स्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन इस सब्जी का मेन इंग्रेडिएंट है जो कि सब्जी का स्वाद 2 गुना बढ़ा देगा। दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। दो टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। एक टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। अब हमें हाई फ्लेम करके कंटिन्यू चलाते हुए सब्जी जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती इसे कुक करना है।
आप देख सकते हैं थोड़ा पानी भाजी में मैंने रहने दिया है ताकि बेसन अच्छे से सब्जी में घुल जाए और पानी बेसन को कुक होने में हेल्प करे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी ज़रूर से ऊपर से ऐड कर दे, तभी बेसन सब्जी में अच्छे से मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी गाढ़ी हो चुकी है और बेसन अच्छे से भाजी में मिल चुका है। थोड़ी देर आधा एक मिनट भाजी को और कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं साइड्स में तेल छोड़ दिया है, मतलब सब्जी हमारी बनकर रेडी है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ करके गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनकर रेडी हुई है। ट्रस्ट में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई दे, आपको बार बार ये सब्जी खाने का मन ज़रूर से करेगा। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।